करवा चौथ व्रत का था। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ रहते थे, बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तभी भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दीपक जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा, चल चांद उग आया है, अर्घ दे लें। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी, चलो अर्घ दे दे। तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल का कंकड़ बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा, पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मृगशिर यानी मार्गशिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले करवा ले। भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने कहा कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आश्विन कुमार की चौथ आई तो उसने बताया, तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही की आएगी तो पाँव पकड़ कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देख कर उनके पाँव पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया तो वह उठ कर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाया, दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गाँव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियाँ चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें, यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय करवा चौथ माता की जय हो। जग करता जग भरता जग संहार करता, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी
सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओम कारा।